नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। महाराष्ट्र में सरकार बनने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। खेतास राय जौनपुर। 29 नवंबर शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को खेतास राय में संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। जिला उपाध्यक्ष अनुपम पांडे ने कहा कि पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व की है, लेकिन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चलेगी। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, शिवसेना जिला उपाध्यक्ष अनुपम पांडे, श्रवण यादव, पिंटू कुमार यादव, पीयूष सिंह, अवनीश शुक्ला, आशुतोष शिवम समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जीडीएस न्यूज ब्यूरो खेतास राय जौनपुर, मोहम्मद अरशद। रेलवे ट्रैक पर दौड़ी कार, गेटमैन की सतर्कता से बड़ी घटना। टेली सिग्नल न मिलने पर रुकी सियालदह एक्सप्रेस। रेल प्रशासन के हाथ पांव फूले। लगभग आधे घंटा परिचालन रहा बाधित। खेतास राय जौनपुर। 29 नवंबर उत्तर रेलवे लखनऊ वाया वाराणसी फैजाबाद रेलवे प्रखंड के उस रहटा रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार की रात्रि ट्रैक पर एक मारुति कार करीब 7 मीटर दौड़ने से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रहर गिर निकालने का प्रयास किया तो उधर शाहगंज से सियालदह एक्सप्रेस भी आधम की, लेकिन सिग्नल न मिलने से गाड़ी रुक गई। राहगीरों की मदद से मारुति कार ट्रैक से बाहर निकली, तब जाकर उक्त गाड़ी आगे के लिए रवाना हुई। मौके से कार सवार लोग खिसक लिए। आरपीएफ ने किसी घटना से इनकार किया है। लगभग आधे घंटे तक ट्रैक पर परिचालन बाधित रहा। गुरुवार की रात्रि करीब 12:30 बजे उस रहटा रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित गेट नगे पर खेतास राय की तरफ से आ रही एक अज्ञात कार शाहगंज जाने के दौरान रेलवे ट्रैक पर करीब 7 मीटर ट्रैक पर दौड़ गई। ट्रैक पर फंसी मारुति कार सवार ड्राइवर निकालने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। तभी सियालदह एक्सप्रेस का समय भी हो गया, जिससे रेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। गेटमैन विनय कुमार राय ने सतर्कता बरतते हुए गेट बंद नहीं किया और खुद लाल झंडा और लालटेन लेकर ट्रैक पर दौड़ गया। सिग्नल न मिलने पर ट्रेन का लोको पायलट ने क्रॉसिंग से 100 मीटर पहले एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। उधर राहगीरों ने काफी मशक्कत कर मारुति कार को ट्रैक से हटाया। करीब 12:55 पर ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई, जिससे वाराणसी फैजाबाद रेल प्रखंड पर आधे घंटे तक परिचालन बाधित रहा। नहीं घटी कोई घटना, बोले आरपीएफ प्रभारी खेतास राय जौनपुर। इसे सहयोग ही कहा जा सकता है। अब तक इस नगे रेलवे क्रॉसिंग पर ये दूसरी बार की घटना है। इससे पहले भी इसी 28 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्रनाथ मिश्रा की सरकारी वाहन रात्रि में शाहगंज से लौटते समय रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई थी, जिससे कई गाड़ियां स्टेशनों पर खड़ी रही। आरपीएफ प्रभारी संदीप कुमार यादव ने पूछने पर बताया कि न तो कोई घटना घटी और न ही संज्ञान में आया है। GGS News Bureau खेतास राय जौनपुर, मोहम्मद अरशद। Learn the real trade. अब हरी बत्ती देखा कि गाड़ी खराब। GGS News 24 के साथ बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना चैनल GGS News 24।